हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी दिस इज अंकिता सोद एंड एज यू ऑल नो रिसेंटली हमने एनटीए यूजीसी ए नेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट कोर्स शुरू किया है फॉर द बैच जून 2022 सो so, आज से हम लोग डिस्कस करने वाले है हैं डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा कम्युनिकेशन इसके टाइप्स विद द हेल्प ऑफ सम रियल लाइफ एग्जांपल्स सो ये यूनिट जो है जिसको कि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स या नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एन टी ए नेट में इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है इसमें से आप लोगों को 14 टू 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है सो विद इन टेन लेक्चर्स हम लोग ये कम्प्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से एग्जाम में आप लोग शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो तो एन टी ए यू जी सी नेट के अकॉर्डिंग डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का ये हमारा सिलेबस है दैट इज द यूनिट नाइन फॉर एन टी ए यू जी सी नेट जिसमें आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन का ये कंप्लीट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग जितनी भी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे लाइक सिम्प्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लैक्स फुल ड्यूप्लेक्स बैंड विथ थ्रू पुट लिटेंसी ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे एंड ये बेसिक चीज़ें आगे आने वाले जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे ये सभी टर्म्स यूज होने वाली हैं एक हायर लेवल पे तो कंप्यूटर नेटवर्क्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है सो so, ये है इसका कंप्लीट सिलेबस मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स जिसमें पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो इसके अलावा हम आपको देते हैं टेन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट फुल सिलेबस नोट्स एंड प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ जिसमें की सॉल्यूशंस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगी सो so, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीट कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करके आपको एग्ज़ाम की टिकटें सेलेक्ट करने के लिए, लिए लिखना होगा एन टी ए यू जी सी नेट कम्प्यूटर साइंस हमारी एप्लीकेशन में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कुछ फ्री ट्रायल्स एंड उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक से जो कि है डेटा ट्रांसमिशन ठीक है सो डेटा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन का अगर हम लोग बात करें तो सिंपल टर्म में हम इसे बोल सकते हैं ट्रांसफर ठीक है सो अगर हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को ट्रांसफर करवाना होगा तो वहां पे यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क अब जैसे हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं ठीक है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में हम लोगों को कोई भी चीज अगर भेजनी है ठीक है तो हम किसके थ्रू भेजते हैं हम लोग भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू ठीक है इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं ये क्या है ये एक नेटवर्क है ठीक है सो डेटा ट्रांसमिशन मोड डिस्क्राइब्स हाउ टू डिवाइसिस इन अ नेटवर्क कम्युनिकेट और एक्सचेंज द डेटा ठीक है कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है जैसे व्हाट्सएप पे या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग यानी कि इंटरनेट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं उसको बोला जाता है नेटवर्क कम्युनिकेशन इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन

ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में इससे कई बार डायरेक्ट बेसिक इक्वेशन पूछा जाता है एंड अगर आप लोग अपने कॉलेज लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है सो सिंप्लेक्स मोड क्या होता है अब जैसे मान लीजिए हम लोग टीवी देखते हैं ठीक है टीवी में क्या होता है सामने से हम न्यूज़ सुन रहे हैं ठीक है ये पर्सन है यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं तो वन वे कम्युनिकेशन होता है जिसको कि यूनी डायरेक्शनल भी बोला जाता है यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं टीवी से जो भी बोल रहे हैं हम वो सुन सकते हैं पर हम जो बोल रहे हैं वो बात टीवी तक नहीं पहुंच सकती सिमिलरली जैसे कि रेडियो हम लोग सुनते हैं ठीक है रेडियो में भी क्या होता है सामने से वो जो बोल रहे हैं वो हम सुन सकते हैं यानी कि सिर्फ एक ही पर्सन बोल सकता है एंड दूसरा सिर्फ क्या करेगा वो सिर्फ सुनेगा अ डिवाइस कैन ओनली सेंड द डेटा बट कैन नॉट रिसीव इट यानी कि जो टीवी है जो रेडियो स्टेशन है ये डेटा को सेंड कर सकते हैं वॉइस मैसेजेस हमें दे सकते हैं बट हमसे वो मैसेजेस को रिसीव डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं और इट कैन रिसीव द डेटा बट कैन नॉट सेंड द डेटा यानी कि एक बार में या तो हम सिर्फ चीज को रिसीव कर सकते हैं या फिर उसको डिलीवर कर सकते हैं इन सिंप्लेक्स मोड द स्टेशन कैन यूटिलाइज द एंटायर बैंडविल्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल सो दैट मोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंप्लेक्स मोड की इसे हम लोग एडवांटेज में भी काउंट कर सकते हैं ठीक है तो एन टी ए सी नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एक हम लोगों को स्टेटमेंट दी होती है सिंपल सी आज का जो कंप्लीट हम लोग अभी ये वाली वीडियो देखने वाले हैं तो इसमें इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी एंड हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कौन सी रॉन्ग है ठीक है तो इस तरह की जो बेसिक डेफिनेशंस मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताऊंगी तो उन पर आप लोगों ने फोकस करना है ठीक है क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं सो so, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है ठीक है सिर्फ वन वे डायरेक्शन ही यहाँ पे यूज़ की जाती है नेक्स्ट है हमारे पास हाफ ड्यूप्लिक्स मोड सो हाफ ड्यूप्लिक्स मोड में क्या होता है टू वे होता है ये ठीक है यानी कि इस डायरेक्शन में भी फ्लो होगा इस डायरेक्शन में भी फ्लो होगा बट क्या इश्यूज है यहाँ पे कि दोनों साइमल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी वॉकी टॉकी आप लोगों ने देखा होगा जैसे पर्सन ए है एंड यहां पे पर्सन बी है तो जब पर्सन ए बोलेगा तो बी सिर्फ सुन सकता है उतनी देर बी नहीं बोल सकता फिर उसको क्या बोला जाता है ओवर एंड आउट इसका मतलब है कि ए ने जितना बोलना था उन्होंने बोल दिया अब पर्सन बी की बारी है वो बोलेंगे एंड ए सुनेगा ठीक है तो वॉकी टॉकी क्या होता है ये बोथ डायरेक्शंस में काम करता है मैसेज फ्लो जो है वो दोनों डायरेक्शंस में होता है बट सेम टाइम पे नहीं होता है यानी कि ए ने कोई मैसेज भेजा जैसे ही वो मैसेज बी को पहुंच जाएगा बी क्या करेगा एक्नॉलेज कर देगा बी ए को बता देगा कि मुझे मैसेज मिल गया है उसके बाद फिर बी बोलेगा एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन बोल सकता है अगर आप लोग ये एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल याद रख लेते हो वॉकी टॉकी तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हो इन चीज़ों को समझ सकते हो एंड एग्जाम में इन चीज़ों को अपनी वे में एक्सप्लेन कर सकते हो नेक्स्ट इज फुल ट्यूप्लेक्स मोड तो फुल डुप्लेक्स ड्यू, मोड जो है वो बाई डायरेक्शनल मोड होता है यानी कि इसमें डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ जैसे कि हम लोग मोबाइल फोन पे बात करते हैं ठीक है यहाँ से हम बोल रहे हैं पर्सन ए बोल रहा है साथ में ही पर्सन बी भी बोल रहा है ठीक है एक साथ दोनों बोल सकते हैं ठीक है जैसे कि अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अभी ठीक है ऑनलाइन हमारी क्लास चल रही है तो इधर सिर्फ मैं बोल रही हूँ आप लोग सिर्फ सुन रहे हो आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते अगर बोल भी रहे हो तो वो बात मुझ तक नहीं पहुंच सकती तो एग्जाम में इस तरह के एग्जाम्पल दिए होंगे एंड आप लोगों को बताना होगा कि ये कौन सा मोड है ठीक है सो जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ बट आप लोग सामने से नहीं बोल पा रहे हो या बोल रहे हो तो वो जो मैसेज है वो मुझ तक डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है तो ये कौन से मोड का एग्जाम्पल है आप लोग कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर बता दीजिएगा मुझे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक दैट इज सिग्नल सिग्नल हम सभी को पता है हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं ठीक है सिग्नल की कुछ स्पीड होती है कुछ फ्रीक्वेंसी होती है सो so, दो टाइप के सिग्नल होते हैं एक होता है एनालॉग सिग्नल एंड दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल तो पहले बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की इससे भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो दीज काइंड ऑफ सिग्नल्स वर्क विद फिजिकल वैल्यूज नेचुरल फिनमिना सच एज अर्थक्वेक जैसे कि अर्थक्वेक भूकंप आता है या किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी हमें मेजर करनी है स्पीड ऑफ विंड वेट लाइट ठीक है ये सब चीज़ों की अगर हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है तो उसके लिए एनालॉग सिग्नल्स यूज होते हैं दीज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आर टाइम वेयरिंग यानी कि टाइम पे डिपेंड करते हैं ठीक है वैल्यू जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ अभी वैल्यू ज़्यादा है तो ये इतना हाई चला जाएगा वैल्यू कम है तो ये इतना सा रहेगा ठीक है एंड टाइम पे भी डिपेंड करता है कि इनिशियल टाइम पे इतना लेवल था आने वाले बढ़ते टाइम पे इतना लेवल हो गया नेक्स्ट आगे आए तो इतना सा लेवल हो गया ठीक है तो ये टाइम पे इसकी वैल्यूज हमेशा डिपेंड करती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिजिटल सिग्नल तो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ये सिर्फ फाइनाइट नंबर्स के साथ काम करते हैं दैट इज जीरो एंड वन तो अगर जीरो होगा जैसे ये बेसिक लेवल है जीरो होगा इसका मतलब है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुका है बिल्कुल लो लेवल पे है वन का मतलब है कि वह अभी सिग्नल जो है वो एक्टिव है इट कैन ओनली टेक ऑन वन ऑफ द फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज द एक्यूरेसी ऑफ द डिजिटल सिग्नल इज बेटर देन द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग सिग्नल तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कई बार एग्जाम में मैच दो कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वहां पर इस तरह की बेसिक स्टेटमेंट पूछी जाती है ठीक है तो ये जो भी मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हैं डेफिनेशंस यहाँ लिखी हैं तो आप लोग इन डेफिनेशन पर भी फोकस रखना नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन टी एट एग्जामिनेशन तो ये टॉपिक है बैंडविथ थ्रू पुट एंड लेटेंसी ये तीन टर्म्स हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ये ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा तो वो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे सो so बैंडविथ क्या होता है बैंडविथ लुक्स एट द अमाउंट ऑफ डेटा बींग ट्रांसफर्ड अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक पाइप है सो so बैंडविर्थ क्या करता है ये मेजर करता है कैपेसिटी तो so जितनी बड़ी पाइप होगी इसका मतलब है उसकी उतनी ज़्यादा हायर बैंडविर्थ होगी जितनी बड़ी जितना बड़ा बॉक्स होगा उसमें उतना ज़्यादा हम लोग फाइल्स को रख सकते हैं ठीक है तो वो होता है बैंडविर्थ लेटेंसी क्या होता है लेटेंसी मेजर डेटा स्पीड कि कितनी स्पीड में यहाँ से डेटा अंदर गया एंड कितनी स्पीड में यहाँ से बाहर निकल गया दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी इट लुक्स एट द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स डेटा टू ट्रांसफर नेक्स्ट इज थ्रू पुट थ्रू पुट क्या करता है मेजर करता है डेटा ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो so, जहाँ पे भी टाइम से रिलेटेड बात चल रही होगी इसका मतलब है कि हमें क्या करना है हमें थ्रू पुट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा एबल टू ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जैसे मान लीजिए हमने रखा है कि एक एंड से हमें जाना है दूसरे एंड से हमें बाहर निकलना है ठीक है तो यहाँ पे हमने टाइम रखा है कि कितना टाइम लगता है इधर से एंटर हुए यहाँ से बाहर निकले तो कितना टाइम लगा टोटल दैट इज़ थ्रू पुट

मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्युलेशन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ठीक है सो एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डेटा और गिवन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सिंबल अल्फाबेट्स इन टू अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट यानी कि एक डेटा है उसको किसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग ठीक है फॉर द सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा नेक्स्ट है डिकोडिंग ये होता है इसका रिवर्स प्रोसेस यानी कि जिसमें हमने कन्वर्ट किया था वापस उसको एनकोड करना है हमें वापस उसी फॉर्मेट में उसको लेकर आना है एनकोडिंग इज अबाउट कन्वर्टिंग डिजिटल और एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल वेयर एज मॉड्यूलेशन इज़ अबाउट कन्वर्टिंग डिजिटल और एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल ठीक है तो ये याद रखना है एनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन में डिफरेंस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स आर रफली डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज दैट इज एनॉलॉग मॉड्यूलेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन पर्ल्स मॉड्यूलेशन एंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम मैथड तो ये जितने भी टाइप हैं ये बेसिक अभी आप लोग सिर्फ थ्योरी याद रख लीजिए बेसिक डेफिनेशन याद रख लीजिए एक क्वेश्चन तो एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह के डेफिनेशन से पूछा जाता है इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज बेसबैंड ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन सो बेस बैंड ट्रांसमिशन जो होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिटल सिग्नल को जो है वो सेंड करता है बेस बैंड ट्रांसमिशन इज अ सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी दैट सेंड्स डिजिटल सिग्नल्स ओवर अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ठीक है बेस बैंड सिग्जल सिग्नल जो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं सो दैट बेस बैंड सिस्टम कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल साइमल्टेनियसली यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है ये फुल ड्यूप्लेक्स मेथड की तरह काम करता है यानी कि सिग्नल अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो यहाँ से इस डायरेक्शन में भी आएगा साइमल्टेनियसली बट क्या होगा सिर्फ एक ही यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक पल्स होगी एक ही एक ही फ्रीक्वेंसी होगी वहीं दूसरी तरफ ब्रॉडबैंड broad ब्रॉडबैंड में क्या होता है मल्टीपल सिग्नल्स आप लोग इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो इजीली मल्टीपल सिग्नल यहाँ पे तीन सिग्नल साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं इट इज अ सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी दैट सेंड सिग्नल्स साइमल्टेनियसली ओवर अ रेंज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द बैंड ऑफ अ ब्रॉडबैंड सिस्टम कैन यूजअली कैरी मल्टीपल साइमल्टेनियस डेटा सिग्नल्स तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं एग्जाम में बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है एन टी ए यू जी सी नेट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड जो आप लोगों के कॉलेज लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है वो इंस्टाइग्राम की हेल्प से आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा सो so, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक होता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड उसके साथ होता है दूसरा डी मल्टीप्लेक्सिंग सो अगर हम लोग मल्टीपल सिग्नल्स को भेजते हैं ठीक है एंड वहां पे अगर मल्टीप्लेक्सिंग यूज हो रही है तो इसका नाम से पता चल रहा है देखो मल्टी यानी कि मल्टीपल लाइंस मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग इसको कंबाइन करेगा एंड एक ही फिजिकल लाइन या कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू उसे आगे ट्रांसमिट करवा देगा ये होता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड इसके उल्टा होता है डी मल्टीप्लेक्सिंग तो डी ये सिर्फ एक ही लाइन है ठीक है डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है एक सिंगल अगर लाइन में सिग्नल आ रहा है एंड वहां पे डी मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होगी तो वो उसको मल्टीपल सिग्नल्स में इस तरह से ट्रांसमिट करवा देगा ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल इनपुट लाइन्स हैं एंड इनपुट लाइन्स हैं एंड सिर्फ एक ही यहाँ पे आउटपुट होगा एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग के केस में सिर्फ एक ही इनपुट होगा एंड मल्टीपल यहाँ पे हम लोग आउटपुट यूज़ कर सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मल्टीपल सिग्नल कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज आर कम्बाइंड एंड ट्रांसमिटेड ओवर सिंगल कम्युनिकेशन और फिजिकल लाइन तो इसको फिजिकल लाइन भी बोल सकते हैं कम्युनिकेशन लाइन भी बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा स्ट्रीम्स इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग एंड जो उसके लिए हार्डवेयर यूज होता है यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग के लिए जो हार्डवेयर यूज होता है उसको बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर या फिर उसको सिंपली हम मक्स बोल सकते हैं वैसे ही डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए जो हार्डवेयर यूज होता है उसको बोला जाता है डी मल्टीप्लेक्सर या फिर उसको हम लोग डी मक्स बोल सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जो ट्रांसमिशन सर्विसेज होती है मल्टीप्लेक्सिंग के केस में वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं ठीक है यानी कि इसको यूज करना बहुत एक्सपेंसिव है ये फास्ट काम जरूर करता है बट येस डिसएडवांटेज भी हम इसे मान सकते हैं कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है सो वेन मल्टीपल सिग्नल्स हमने बताया कि जब मल्टीपल सिग्नल्स आते हैं मल्टीप्लेक्स होते हैं एंड सिंगल लाइन को फॉलो करते हैं तो वेन मल्टीपल सिग्नल्स शेयर द कॉमन मीडियम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन यानी कि ये जितनी भी यहाँ पे कनेक्शन हैं ये कोलिजन में हो सकते हैं फंस सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट इज यूज टू अवॉइड सच कोलिजन ठीक है सो so, मल्टीप्लेक्सिंग के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं ठीक है तो सबसे पहला आता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन वेव लेंथ डिवीजन एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तो एग्जाम में इन तीनों से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशन तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसको हम लोग एनालॉग टेक्निक भी बोलते हैं ठीक है तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक अवेलेबल बैंड ऑफ अल ट्रांसमिशन मीडियम इज डिड और सब डिवाइडेड इन टू से जो है टाइम जो है वो सेम रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ठीक है एफ डी एम फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग इज मेनली रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड टीवी नेटवर्क द मेन एम ऑफ एफ डी एम इज टू सब डिवाइड द डिवाइडल बैंडविर्थ मान लीजिए एक बैंडविर्थ है इसको सब डिवाइड किया जाता है ठीक है तो ये होता है मेन एम इसका ठीक है सब डिवाइड द अवेलेबल बैंडवर्थ इन टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स एंड एलोकेट टू डिफरेंट डिवाइसेज सो एफ डी एम की कुछ एडवांटेजेस होती हैं पहली तो यही है कि ये हमेशा एनालॉग सिग्नल्स को यूज करता है दूसरी एडवांटेज ये है कि बहुत सिंपल होता है यूज़ करना एंड इस प्रोसेस के थ्रू मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन जो है वो बहुत इजीली हम कर सकते हैं तीसरा एडवांटेज ये है कि लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम लोग एफ के थ्रू साइमल्टेनियसली सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि ये क्रॉस टॉक जो है वो इसमें फेस हम कर सकते हैं सेकेंड डिसएडवांटेज है इट रिक्वायर हाई बैंडविड्थ चैनल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जिसके थ्रू हम फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये जो चैनल है इसकी बैंडविड्थ काफ़ी हाई होनी चाहिए तभी हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ कर सकते हैं जनरली ये रेडियो में एफएम में एंड टीवी नेटवर्क में यूज़ किया जाता है सेकेंड है हमारे पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको कि सिंपली हम लोग डब्ल्यू डी एम भी बोल सकते हैं डब्ल्यू डी एम क्या करता है ये एफ की तरह है सिर्फ डिफरेंस ये है कि ऑप्टिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स ठीक है यानी कि ये केबल को यूज करता है दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल्स डब्ल्यू डी एम इज यूज ऑन फाइबर ऑप्टिक्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सिंगल फाइबर तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स मैं अभी आप लोगों को बता रही हूं ये अगर आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के नोट्स लेते हो तो वहां पे आप लोगों को एज इट इज मिल जाएंगी एंड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीप्लेक्सिंग से रिलेटेड कि चार पांच स्टेटमेंट्स दी होंगी आपको एंड आपको बताना होगा कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है सो इट इज ऑल्सो यूज टू यूटिलाइज द हाई डेटा रेट कैपेबिलिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल सिंपल यही याद रखना है कि जहां पे भी हम लोग केबल पिछली फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेव लेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग सो इसमें मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो प्रिज्म की हेल्प से हम लोग अचीव कर सकते हैं ठीक है सो जहां पे भी प्रिज्म की बात की जाती है प्रिज्म आई होप आप लोगों ने कॉलेज सॉरी स्कूल लेवल पे ये एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे साइंस में नाइन्थ टेंथ लेवल पे ये करवाए जाते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है मल्टीपल इस तरह से रेज आती हैं ये इसको फाइबर ऑप्टिक केबल के ऐसे कर सकता है ठीक है यानी कि ये यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है तो प्रिज्म जो है प्रिज्म का अगर प्रोसेस आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद होगा तो वो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग के एक एग्जाम्पल हम लोग इसको मान सकते हैं थर्ड टाइप है हमारे पास टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग सो ये क्या होता है ये एक डिजिटल टेक्निक है ठीक है इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं सेम टाइम पे ऑपरेट किए जाते हैं ठीक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन में जो ऑपरेशंस होते हैं वो टाइम सेम रहता है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट रहती है बट इन केस ऑफ इन केस ऑफ टाइम डिवीज़न टाइम जो है वो डिफरेंट रहता है एंड फ्रीक्वेंसी हमेशा इनकी सेम रहती है ठीक है टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक द टोटल टाइम अवेलेबल इन द चैनल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट यूजर्स एंड देयर फॉर हर एक यूजर को डिफरेंट टाइम इंटरवल जो है वो अलॉट किए जाते हैं जिसको सिंपली हम लोग टाइम स्लॉट्स भी बोल सकते हैं ठीक है सो टाइम डिविजन के दो टाइप्स हैं सिंक्रोनस एंड ए तो ये सिंक्रोनस क्या होता है जिसमें कि टाइम स्लॉट जो है वो प्री असाइन किए जाते हैं हर एक डिवाइस को ठीक है एंड इन केस ऑफ ए सिंक्रोनस इसको हम लोग स्टेटिस्टिकल टी डी एस भी बोल टी डी एम भी बोलते हैं ठीक है सो ए संक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक इन विच टाइम स्लॉट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं एंड वो पहले से अलॉट नहीं किए जाते हैं यूजर को ठीक है तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं एंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक है जो भी हम लोग आगे कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने वाले हैं जितने भी एडवांस टॉपिक्स वहाँ पे सभी जगह ये बेसिक टर्म बार बार यूज़ होगी तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस